नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, आज मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर टीम सेलेक्शन की वेस्ट इंडीज टूर के लिए। यहाँ पर भारत ने यहाँ पर 3 T20 और 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच के लिए टीम के सेलेक्शन की है। जी हाँ, अगर हम टीम सेलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 3 नए चेहरे हमें देखने को मिले हैं, नवदीप सैनी, राहुल चाहर और दीपक चाहर। ये 3 नए फेस हैं जो भारतीय टूर इंडिया ए के लिए गए हैं वेस्ट इंडीज़, वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, MS धोनी और जसप्रीत बुमराह, यहाँ पर इन्हें आराम दिया गया है। MS धोनी ने कॉल करके कह दिया था चीफ सेलेक्टर को कि वो 2 महीने के लिए अनअवेलेबल रहेंगे क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो वहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। तो वहीं पर अगर हम विजय शंकर की बात करें तो वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें चोट लगी थी, वो अभी भी अनअवेलेबल रहे हैं। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या को भी चोट लगी है, वो भी फिटनेस से जूझ रहे हैं। तो वहीं पर अगर हम दिनेश कार्तिक की बात करें, दिनेश कार्तिक के लिए थोड़ा सा पर मुझे ऐसा लगा कि वो बैड लक है, वर्ल्ड कप में उन्हें लिया गया, उन्हें 2 मैचों में खेलने का मौका मिला, एक में उन्हें बल्लेबाजी मिली, दूसरे में उन्हें बल्लेबाजी यहाँ पर नहीं मिली, थोड़े से वो अनलक्की रहे। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो T20 टीम की, राहुल चहर और दीपक चहर दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ पर इंडिया ए के खिलाफ जो वेस्ट इंडीज़ में चल रहा है टूर्नामेंट, तो इन दो ब्रदर्स को यहाँ पर मौका मिला। तो वहीं पर नवदीप सैनी एक अच्छे गेंदबाज है, उन्हें एक मौका मिला है यहाँ पर T20 और वनडे में। किस प्रकार के यहाँ पर T20 की साइट, विराट कोहली है कप्तान, यहाँ पर रोहित शर्मा है उपकप्तान, KL राहुल, शिखर धवन, जी हाँ, वर्ल्ड कप में चोट के बाद जो यहाँ पर अनफिट रहे थे शिखर धवन को मौका मिला है, शिखर धवन आ गए हैं। उसके बाद ऋषभ पंत पहले विकेट कीपर चॉइस है। तो वहीं पर रविंद्र जाडेजा, कुणाल पांड्या, उसके खलील अहमद, नवदीप सैनी और वाशिंगटन सुंदर, जी हाँ, T20 में यहाँ पर कुलचा को मौका नहीं दिया गया, उन्हें मौका दिया गया है वनडे के लिए। तो वहीं पर के खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार अवेलेबल रहेंगे T20 के लिए। तो वहीं पर अगर हम बात करें कि वनडे साइड की, तो केदार जाधव, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, उनके लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि टीम से ड्रॉप होने के बाद आपको अगर आने का यहाँ पर मौका मिलता है, आपके पास एक मौका है वेस्ट इंडीज दौर पर आप अच्छा प्रदर्शन करें तो आगे का आपका रास्ता एक अच्छा आसान हो सकता है। तो यही है मेरे हिसाब से जिस प्रकार की टीम है। फिर से आप सबको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे, दीपक चाहर, राहुल चाहर और के खलील अहमद सैनी, नवदीप सैनी, यहाँ पर ये इन हुए हैं। दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, धोनी और भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट दिया गया है। तो इस प्रकार की है वनडे और T20 की टीम। 3 अगस्त से खेला जाना है पहला T20, 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच का ये मुकाबला है। अब देखना है किस प्रकार की खेलती है भारतीय टीम और किस प्रकार की यहाँ पर रणनीति रहेगी विराट कोहली। और थैंक यू सो मच पूरे वर्ल्ड कप में टू ऑल माय सब्सक्राइबर, जिस प्रकार एक नई मैंने मुहिम यहाँ पर स्टार्ट की थी, थैंक यू सो मच, आप सभी का सपोर्ट मिला और मैं आशा रखता हूँ कि इस प्रकार आपका सपोर्ट मिलता रहे। कमेंटेटर सुनील गुरुंग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।